हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। प्रोग्राम हमें ऐसा बनाना है कि हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर। अब यूजर से आप एंटर करवाएंगे वो नंबर और उसके बाद एवरेज वो कैलकुलेट करके दे दे प्रोग्राम, ऐसा आपको सेटअप करना है। ठीक है, तो एवरेज को कैलकुलेट कराने के लिए, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हमें 5 वेरिएबल्स बनाने होंगे। जैसे मान लीजिए ए, अब ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं ए। पहला वेरिएबल हमने बनाया ए, और ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने इंट। ठीक है, फिर यहां पर हम देंगे इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और एंटर। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट नंबर, ये लिख दिया हमने फर्स्ट नंबर। ओके, तो यहां पर यूजर द्वारा एंटर करवाया जाएगा पहला नंबर। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम और थोड़ी सी चीजें चेंज करनी होंगी, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ये चौथा नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पांचवा नंबर। अगर आप 6 नंबर का चाहते हैं तो ये 6 कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर का हो जाएगा, तो यहां पे एंटर सेकंड नंबर कर दीजिए। अलग अलग वेरिएबल का नाम देंगे, ये थोड़ा सा लेंथी टास्क जरूर होगा, लेकिन ये कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज। आपको समझ में आएगी बात कि एवरेज कैलकुलेट कैसे करना है, प्रोग्रामिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर यहां पर देखिए, ये डी के बाद ई करेंगे, फिर यहां पर एफ कर देंगे, एट लास्ट क्या करेंगे, एफ करेंगे। ओके, तो ये एफ तक हमने कर दिया है पूरा। ओके, अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहां पर टोटल नाम से एक और वेरिएबल बनाते हैं। टोटल नाम से बना लिया एक और वेरिएबल, और टोटल नाम से वेरिएबल हमने बना लिया, टोटल इज इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल में हम इन सबको ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो इन सबको हमने टोटल में ऐड कर दिया, आई बात समझ में। अब ऐड करने के बाद प्रिंट करवा देंगे इसको, तो चलिए एंटर करके नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे प्रिंट लिखिए। ठीक है, तो प्रिंट करवाते समय केवल क्या लिखते हैं, पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देनी है, पाइथन में केवल प्रिंट ही लिखा जाता है प्रिंट करवाने के लिए। तो किसको प्रिंट करवाना है, तो हमें टोटल प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल को प्रिंट करवाना है तो केवल टोटल लिख देंगे, टोटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, कॉमा, ये कॉमा लगा दिया, और फिर यहाँ पे कर देंगे टोटल, टी ओ टी ए एल। ओके, इतना हो जाने के बाद फिर एंटर करके नीचे आएंगे। अब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज, तो यहां पर लिख देता हूं एवरेज, कुछ इस तरीके से एवरेज लिख दिया हमने। एवरेज लिखने के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे और क्या देंगे, यहां पर लिखेंगे टोटल, टोटल अब कितने सब्जेक्ट हैं, 5 हैं, 6 हैं, 6 हैं, तो यहां अपॉन 6 कर दीजिए, हो गया। अब फिर दोबारा से प्रिंट का यूज कर लीजिए, तो यहां पर लिखिए प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहां पे लिख दीजिए केवल एवरेज, क्या लिखना है, एवरेज, इस तरीके से लिख दीजिए एवरेज। और एवरेज को लिखने के बाद क्या करना है, एवरेज को जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका एवरेज प्रिंट हो जाएगा, यहां पर कॉमा देकर के खाली लिख दीजिए एवरेज, बस हो गया काम। अब हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाना चाहिए। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन कर लेते हैं, तो ये हमने प्रोग्राम रन किया, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहां पर कोई नंबर एंटर करते हैं, लाइक हमने 55 एंटर किया, फिर एंटर प्रेस किया तो यहां पे आ रहा है एंटर सेकंड नंबर, यहां पे 3 एंटर किया, फिर यहां पे आ रहा है एंटर थर्ड नंबर, तो यहां पे 66 एंटर किया, 33 एंटर किया। ठीक है, 33 एंटर करने के बाद फिर एंटर किया तो यहां पांचवा नंबर भी पूछ रहा है, 5 नंबर, तो यहां पे हमने 3 एंटर कर दिया, और यहां पे 6 कर रहा है तो 6 में 7 टाइप कर देते हैं, और इसका एवरेज आपके सामने है। इसी तरीके से कोई भी एवरेज कैलकुलेट करना होगा तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे फिर एक बार इसको फिर से रन तो करवाई दिया मैंने, यहां पर आकर के अब एंटर करते हैं 6 3 4 7 8 8। अब देखिए ये एवरेज कैलकुलेट हो गया, ठीक है, 6 आ गया एवरेज। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ एवरेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे और भी वीडियोस आएंगी जो डेफ यानी कि डिफाइन की बात करनी है, तो वो आगे चल करके मैं करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।